Hello students, myself Dr. Shiva Khaled. आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने मेरी वीडियोस को देखने के लिए डॉक्टर शिबा खालिद क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि फ्री लेक्चर्स यहाँ पे हैं, स्पेशली यूपीएससी ऑप्शनल सोशियोलॉजी के लिए एंड यूजीसी नेट के लिए, और ग्रेजुएशन के जो स्टूडेंट्स हैं, जो सोशियोलॉजी एस्पिरेंट्स हैं, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं. जो स्टूडेंट्स हैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के या मास्टर्स के, वो भी इससे फायदा उठा सकते हैं मेरे लेक्चर्स से, मेरी वीडियोस से. मुझे फॉलो करने के लिए टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं. मेरा जो लिंक है आपको दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये लिंक मौजूद है. मेरी वेबसाइट www.mysocialbliss.com पे आप जो भी मैं क्लासेस कर रही हूँ उसके नोट्स के लिए, बाकी जो बुक्स हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं डाउनलोड करने के लिए, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं बुक्स को. और नोट्स को जो भी मैं लेक्चर लूंगी उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसको कि आप लिंक को क्लिक करके डायरेक्ट नोट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं. मेरी कोशिश यही रहती है कि नोट्स में हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड कराऊं, ताकि दोनों ही मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम ना हो और वो फायदा उठा सकें. और जो भी वीडियोस हैं, मेरी प्लेलिस्ट मौजूद है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं आपके कोर्सेज से रिलेटेड और अदर जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं, या यूपीएससी यूजीसी नेट से रिलेटेड जो वीडियोस हैं उसके लिए आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कर सकते हो और मुझे फॉलो कर सकते हो. तो ज्यादा से ज्यादा मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके और वो इससे फायदा उठा सके. मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं इजी नोट्स बनाऊं या इजी करके क्लासेस को लूं, ताकि आप लोगों को समझ में आए. और दोनों ही लैंग्वेज में बात करने की कोशिश करती हूं, लेकिन मोस्टली लैंग्वेज, चूंकि इंडिया में हूं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हिंदी में चाहते हैं, इसलिए कोशिश करती हूं कि हिंदी में ही ज्यादा करूं, ताकि उससे फायदा उठाया जा सके. लेकिन चूंकि सबटाइटल्स ऑन है, इंग्लिश वाले भी इंग्लिश में देख सकते हैं, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. तो देर ना करते हुए हम लोग अपने जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज का टॉपिक क्या है. तो हम जानेंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म डेफिनेशन. आज हम लोग उसकी डिस्कस करेंगे. थ्योरीज हैं, अलग अलग थिंकर्स की थ्योरीज हैं, वेस्टर्न थिंकर्स जो हैं उनकी थ्योरीज अलग हैं, और जो हमारा हमारे इंडियन थिंकर्स हैं उनकी थ्योरी अलग है. तो आज हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और उनके क्रिटिसिज्म क्या क्या हैं उसको भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस सेशन में. तो आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ मैं अपनी वीडियो को बंद करूंगी, ताकि आप लोगों को स्क्रीन जो है वो क्लियर नजर आए और आप लोग समझ सकें. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से, कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्या है. तो यहाँ मैं अपनी वीडियो बंद कर रही हूँ, ताकि आप लोग आराम से जो है कोर्स को समझ सकें कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है क्या चीज. तो जो पर्सपेक्टिव है फंक्शनलिज्म का, वो होल्ड करता है मेजर पोजीशन विद इन द क्लासिकल सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर में. जो हमारा क्लासिकल सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क, इसका मतलब ये हुआ कि थ्योरी जो है इन क्वेश्चन पर्टेन्स मैक्रो लेवल जो है वो एनालिसिस फोकस करती है ऑन एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेंसिव सोशल, जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, हमारे जो सोशल इंस्टीट्यूशन हैं उन पर. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो मोस्टली जो है वो हमारे जो क्लासिकल सोशल सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया है और हमें समझाया है. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ऑफन नोन एज फंक्शनलिज्म, यानी प्लेसेस इट्स फोकस ऑन मैक्रो लेवल सोशल जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे हमारे जो मैक्रो लेवल पे, दैट मींस सोसाइटी एज होल, यानी हमारे जो पूरे कंप्लीट जो हमारा सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा सोशल स्ट्रक्चर
और हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन और हमारे सोशल स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनके बीच में क्या कनेक्शन है, एक इंटरकनेक्टेडनेस जो है इनके बीच की, जो इंटरकनेक्टेडनेस उसको डिफाइन किया गया है क्लासिकल सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अंदर में, और इसका इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, यानी हमारी सोसाइटी पे इसके इम्पैक्ट क्या है, हमारी सोसाइटी पे इसके इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। तो विद इन द फ्रेमवर्क अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इस कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है एंड फंक्शन डू नॉट इनहेरेंटली पोजेज अ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप। तो स्टडी ऑफ सोसाइटी स्ट्रक्चर कैन बी कंडक्टेड इंडिपेंडेंटली ऑन इट्स फंक्शन, किस तरह से हमारी सोसाइटी की डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, उनका काम क्या है। अब स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, यानी किस तरह से हमारी सोसाइटी के जो फंक्शंस हैं, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स क्या क्या, हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर्स हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, हमारा रिलीजन, इंस्टीट्यूशन में रिलीजन भी आ जाते हैं, हमारा रिलीजन सिस्टम, हमारी पॉलिटिक्स। तो ये सारे जो है, ये इंस्टीट्यूशन, हमारी इकोनॉमी, हमारा रिलीजन, हमारी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में हमारा गवर्नमेंट है, ये सारे जो पार्ट हैं, हमारे जो सोशल फैक्ट्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, ये सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंस्टीट्यूशन के अंदर हमारा फैमिली सिस्टम है, हमारा मैरिज सिस्टम है, हमारी रिलीजन सिस्टम है, ये सारी चीजें आ जाती हैं, हमारा इकोनॉमी है, हमारी पॉलिटी जो है, ये हमारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारी सोसाइटी के। तो स्ट्रक्चरल जो फंक्शनलिज्म है ये बेस्ड होता है 3 easy ideas के ऊपर। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है उनके 3 easy ideas जो है, एक इजी फॉर्म में हम समझेंगे इजी आइडियाज क्या है, इसमें हम जानेंगे कि ये आइडियाज क्या है। तो 3 easy ideas जो है ये है, नंबर 1 है, इसको यहां से थोड़ा सा क्लियर करते हैं ताकि आप लोग को नजर आए। ये आइडियाज क्या है, यहां से इसको क्लियर करते हैं। तो 3 easy ideas में अगर हम करें समझें इसको, तो नंबर 1 हो जाएगा कीपिंग सोसाइटी स्टेबल। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, यानी सारे जो है सिस्टम, हमारी स्टेबिलिटी, एक बैलेंस, एक हार्मनी, एक पीस जो है वो सोसाइटी में मेंटेन रहे। और नंबर 2 है मेकिंग श्योर एवरीवन वर्क्स वेल टुगेदर। तो सिस्टम स्टेबल कब रहेगा, जब हम सारी चीजें जो है वो अपने हिसाब से काम करेंगी। मेक श्योर एवरीवन, हर कोई काम, एवरीवन वर्क्स टुगेदर, वर्क्स वेल टुगेदर। और नंबर 3 पॉइंट है इसका कि हाउ सोसाइटी चेंजेस ओवर टाइम, किस तरीके से हमारी सोसाइटी जो है वो चेंज होती है, चेंजेस ओवर टाइम, टाइम के हिसाब से। तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट से बना होता है हमारा, सच एज हमारे इंस्टीट्यूशन, मैंने अभी डिस्कस किया, इसके अंदर हमारे नॉर्म्स भी, हमारे वैल्यूज भी हैं, दैट आर ऑल लिंक्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। सोसाइटी एज ए फंक्शनलिज्म अगर हम देखें तो हमारी सोसाइटी जो है, हम सारे जो है ये जितने भी हमारे स्ट्रक्चर हैं सब एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट से मतलब ये कि हमें अलग अलग काम के लिए, अलग जरूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है, हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है।
हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे नॉर्म्स, हमारे वैल्यूज दैट आर ऑल लिंक्ड एंड डिपेंड ऑन ईच अदर. तो जितने भी हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे वैल्यू सिस्टम है, हमारे वैल्यूज हैं, ये सारे हमारे बिलीफ जो हैं, ये सब क्या हैं, दे आर इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. हम ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम हैज अ स्पेसिफिक जॉब. तो हर किसी का, हर सिस्टम का अलग अलग काम है. इंस्टीट्यूशन का काम है हमारी रेगुलेटरी को मेंटेन रखने का, इकोनॉमी जो है हमारी इकोनॉमी को कंट्रोल करने का, हमारा रिलीजन हमारे वे ऑफ लाइफ को कंट्रोल करता है, हमारी गवर्नमेंट हमारी पॉलिटिक्स जो है जो कि हमारी कंट्री को सही तरीके से चलाने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में हेल्प करती है. तो हर सिस्टम की अलग अलग जो है वो वर्क है, सबके अलग अलग वर्क है और सब जो है लेकिन एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. तो ईच पार्ट ऑफ द सिस्टम हैज ए स्पेसिफिक जॉब एंड ऑल ऑफ दीज सोशल पैटर्न्स वर्क टुगेदर टू कीप सोसाइटी स्टेबल एंड बैलेंस. यानी सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और एक साथ जो है वो काम करते हैं सोसाइटी में स्टेबिलिटी, पीस और हार्मोनी को मेंटेन रखने के लिए, सोसाइटी में स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, ठीक है, मेंटेन रखने के लिए वर्क करते हैं, बैलेंस बनाए रखने के लिए. ऑल्सो सोशल स्ट्रक्चर चेंजेस एट द नीड्स ऑफ सोसाइटी चेंज. जिस तरीके से हमारी सोसाइटी की जो जरूरतें हैं, नीड्स ऑफ सोसाइटी जो है, नीड्स ऑफ सोसाइटी जैसे जैसे चेंज होती हैं, चेंजेस हमारे सोशल स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आना शुरू होते हैं. पहले हमने देखा कि हमारी सोसाइटी जो है वो बहुत सिंपल सोसाइटी थी. हमारी सोसाइटी इसके पहले क्या थी, हमारी सोसाइटी जो है वो एक सिंपल सोसाइटी थी. वहां पे जो है एक सिंपल सोसाइटी का हम हिस्सा थे. यहाँ पे हम देखें सिंपल सोसाइटी जहां पे क्या था, होमोजेनिटी थी. लोग एक दूसरे के ऊपर, लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे, उसके बाद हंटिंग एंड गैदरिंग के ऊपर डिपेंड करते थे. एक होमोजेनिटी थी लोगों के अंदर और एक सिंपल लाइफ को जी रहे थे. उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे चेंजेस आने शुरू हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद से क्या होता है, हमारी सोसाइटी में चेंजेस आते हैं. हमारी सोसाइटी सिंपल से चेंज होके हम लोग आज हिस्सा है कॉम्प्लेक्स सोसाइटी का. यहाँ पे हीट्रोजेनिटी है, यहाँ पे लोगों में डिफरेंसेस है, यहाँ पे डिफरेंसेस है. तो हमारी सोसाइटी टाइम टू टाइम जो है इसके अंदर चेंजेस आते हैं. जैसे जैसे नीड चेंज होती है उसी तरीके से सोसाइटी चेंज होती है. ऑल्सो सोशल स्ट्रक्चर्स जो है हमारे चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे हमारी नीड चेंज होती रहती है. इफ एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर डजंट वर्क राइट, सोसाइटी एज ए होल कुड फॉल अपार्ट. किसी भी एक पार्ट में, किसी भी एक जो है सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, या इकोनॉमी है, या पॉलिटी है, या रिलीजन हो, या इंस्टीट्यूशन हो, तो इसमें किसी में एक में अगर गड़बड़ी शुरू हो गई या कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया तो क्या होता है, पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. यहाँ पे सब जगह पे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है. तो एनी पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर डजंट वर्क राइट, सोसाइटी एज ए होल कुड फॉल अपार्ट. तो स्ट्रक्चर जो फंक्शनलिस्ट है, तो जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट है, उनका सोचना है कि दैट एनी काइंड ऑफ रैपिड सोशल चेंज, यानी किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ रैपिड सोशल चेंज, यानी जो जल्दी से जो चेंजेस आते हैं, रैपिड जो क्विक चेंज आता है, जल्दी जल्दी जो चेंजेस आते रहते हैं, एनी काइंड ऑफ रैपिड सोशल चेंज इज कॉज बाय सोशल टेंशंस. यानी सोशल जो हमारी वजह क्या है इसकी, सोशल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी. फॉर एग्जाम्पल, अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिलीव्स, किसी तरह के ट्रेडिशनल बिलीव्स में कोई डिफरेंस आता है, हमारे वैल्यूज में कोई डिफरेंट आता है, तो वुड कुड लीड टू अ चेंज इन द सोसाइटी.
सभी जगह हम उसके चेंजेस देखेंगे, उसका असर, उसका इम्पैक्ट हमको सभी जगह दिखेगा. तो पीपल डोंट लाइक इट व्हेन थिंग्स चेंज क्विकली. लोग जो है जल्दी से चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज इट अपसेट द बैलेंस एंड मेक्स थिंग्स अनस्टेबल. तो अनस्टेबिलिटी यानी जल्दी जल्दी ये चेंज आते हैं, बहुत से लोग जो है उसमें एडजस्ट नहीं हो पाते, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो एक एक्सप्लेनेटरी थ्योरी है. प्राइमरी इसको डेवलप किसने किया था? इमाइल दुर्खीम ने. सॉरी 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 इमाइल दुर्खीम ने. इमाइल दुर्खीम थे और टैलकॉट पार्सन्स. इमाइल दुर्खीम एंड टैलकॉट पार्सन्स. तो बाद में फर्दर डिबेट्स एंड थ्योरीज ऑन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हैव बीन आर्टिकुलेटेड बाय द वेरियस थिंकर्स जो है लाइक रेडक्लिफ ब्राउन. यहाँ देखते हैं रेडक्लिफ जो है ब्राउन जो है उन्होंने रेडक्लिफ ब्राउन है या फिर किंग्सले डेविस है, के डेविस, किंग्सले डेविस और विल्बर्ट मूरे जो है उन्होंने इसको बाद में आगे बढ़ाया. तो सबसे पहले हम जो जानेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो कि इंट्रोड्यूस किया हमारे क्लासिकल जो सोशियोलॉजिकल जो थिंकर्स हैं टैलकॉट पार्सन्स और इमाइल दुर्खीम ने, कि उन्होंने इसके बारे में क्या बताया. तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इमाइल दुर्खीम की जो थ्योरी है क्लासिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में वो क्या है. इमाइल दुर्खीम जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, इन्होंने जो हमें दिया वो है डिवीजन ऑफ लेबर. इमाइल दुर्खीम के बारे में हम लोग पहले भी जान चुके हैं, मेरी वीडियो भी है इमाइल दुर्खीम के जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उससे रिलेटेड. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं. तो इमाइल दुर्खीम जो है वो एक फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं थे सॉरी सोशियोलॉजिस्ट जिनका की टाइम पीरियड रहा है 1858 से लेकर के 1858 टू 1917 में इनकी डेथ हो गई. ये 58 जो है इनकी बर्थडे है. तो हु लिव फ्रॉम 1858 टू 1917 इमाइल दुर्खीम. सो ही वॉज वन ऑफ द पीपुल हु स्टार्टेड फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट जो है इन्होंने स्टार्ट किया था. फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट ये स्टार्टेड बाय दुर्खीम. इन द बिगिनिंग ऑफ एकेडमिक करियर दुर्खीम वॉज वेरी स्ट्रक बाय हाउ इंपॉर्टेंट फंक्शनल डिफरेंशिएशन जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है. तो हाउ इंपॉर्टेंट फंक्शनल डिफरेंशिएशन एंड द थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट वर्क. तो ऑल्सो द वर्क ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर जो है उन्होंने एंड हिज स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एनालॉजी हैड एन इफेक्ट ऑन हिम. तो हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एनालॉजी जो है उसका इफेक्ट हर्बर्ट स्पेंसर की जो थ्योरी थी यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आप लोग को याद रहे. सॉरी हर्बर्ट स्पेंसर इसका नाम था बायोलॉजिकल एनालॉजी. तो had an effect on him. तो उन्होंने किस तरीके से जो है ऑर्गेनिज्म के बारे में डिफाइन किया था कि ह्यूमन जो हमारे बॉडी ऑर्गेनिज्म है किस तरह से वर्क करते हैं. तो उनकी जो थ्योरी थी इसने इफेक्ट डाला इमाइल दुर्खीम पे. तो उनकी जो फर्स्ट बुक थी इमाइल दुर्खीम की जो कि उनकी डॉक्टरल थीसिस भी थी, तो फर्स्ट बुक बाय दुर्खीम, तो दुर्खीम की जो फर्स्ट बुक थी वो थी द डिवीजन ऑफ लेबर. तो इट वॉज केम आउट इन 1893. ये पब्लिश जो डेट थी उसकी 1893 थी.
तो इट वॉज अबाउट द फोर्सेज दैट कीप सोसाइटी टूगेदर, यानी किस तरीके से जो फोर्सेज है, जो हमारी इंटरडिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, हम इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, हमें किस तरह से एक दूसरे से अटैच रखती है. तो ही सेड दैट, तो इसमें इन्होंने डिफाइन किया मैकेनिकल सॉलिडेरिटी. ही डिफाइन अबाउट मैकेनिकल ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी एंड मैकेनिकल सॉलिडेरिटी के बारे में इन्होंने बताया. He defined about mechanical and organic solidarity. तो mechanical उन्होंने बताया कि unity is often found in primitive society, जब हमारी simple society थी, जब हमारी society जो थी वो simple थी. तो ये mechanical solidarity जब उस time में थी, तो where there is no way of move up in the economy or tell people apart by their status. तो societies जो थी with the, जब organic solidarity में आई, यानी हमारी society जब simple से change होकर के जब organic solidarity यानी complex society जब हुई, तो on the other hand क्या होता है, have specialized economies with a lot of division of labor, यानी सबके जो काम थे वो बढ़ गए, उनकी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपनी काबिलियत के हिसाब से, अपनी स्किल के हिसाब से लोगों के काम बढ़ गए. एंड रैंक डिफरेंसेस आनी शुरू हुई, हायरार्की आ गई. तो दुर्कीम ने कहा कि दैट फंक्शनल डिफरेंसिएशन इज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिकॉज व्हाई, क्योंकि ये जो पार्ट है फंक्शनल डिफरेंसिएशन जो है वो नेसेसरी पार्ट है, हमारी सोसाइटी का हिस्सा है. क्यों? बिकॉज इट मेक्स पीपुल फील मोर कनेक्टेड, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ होते हैं, एंड लोगों को फील कराता है मोर कनेक्टेड और इम्प्रूव करता है देयर सेंसेस ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी. तो उनकी जो सोशल सॉलिडेरिटी है, जो सेंसेस है, उसको इम्प्रूव करता है. तो ईच पर्सन डिपेंड्स ऑन फंक्शनल सर्विसेज ऑफ एवरी वन else to keep society running smoothly. क्योंकि जब हम अब ऐसा था, मान लो एक academic institution है, मान लो ये एक academic institution है या organization है, कोई भी academic, तो इसमें क्या हुआ, account section अलग हो गया, academic section अलग हो गया, है ना, और इसके अंदर जो है जो administration का जो part है वो अलग आ गया, management का जो part है वो अलग चला गया. तो एकेडमिक वाले जो है उनको अकाउंट से कोई काम होगा तो इधर जाएंगे, मैनेजमेंट वालों का कोई काम होगा वो इधर देंगे, अकाउंट से होगा उधर देंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना होगा कि किस तरह से कैंपस चल रहा है, उनके हाथ में जाएगी चीजें. तो हर आदमी का एक काम बटा हुआ है, देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर इन द सोसाइटी. यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर आपको दिखेगा सोसाइटी में. तो हर आदमी का काम है. अब एकेडमिक जो है, अब यहाँ जो पढ़ाने वाली फैकल्टी है, एकेडमिक में भी हायरार्की है. यहाँ पे जो वीसी का काम है, मान लीजिए यूनिवर्सिटी है, वीसी का काम अलग है, फैकल्टी का काम अलग है, जो हेड है उसका काम अलग है, सबके काम अलग अलग है. तो आदमी डायरेक्ट जो है, अगर वीसी को जो फैकल्टी का काम है वो फैकल्टी करेगी, जो हेड का काम है उनके लिए वीसी का जो काम है वो करेंगे, इसी तरीके से जो एकेडमिक्स का काम है वो करेंगे, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो करेंगे. अब ना ये इनका काम कर सकते हैं, ना ये इनका काम कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये इसमें स्किल्ड है, ये इसमें स्किल्ड है. तो जिसके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो क्वालिटी है, जो स्किल है, उसी के हिसाब से उसको ड्यूटी दी गई, उसी के हिसाब से उसकी ड्यूटी है, उसी के हिसाब से हायरार्की है. तो डिवीजन ऑफ लेबर, दुर्कीम ने कहा कि एक सोसाइटी का इम्पोर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि अगर हमारे काम अलग अलग बटे हुए होते हैं, हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, हम सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, तो इंटरडिपेंडेंसी होती है, सब पे डिपेंड करते हैं. तो जो सोसाइटी का जो वर्क है, जो हमारी सोसाइटी जो है वो स्मूथली वर्क करती है, स्मूथली वर्क करती है, उसमें पीस बना रहता है, उसमें हार्मनी रहती है, बैलेंस बना रहता है, तो ये सारी चीजें इसमें मेंटेन रहती है. ठीक है, तो ये डिवीजन ऑफ लेबर था इमाइल दुर्कीम का, जिस जो उनकी स्टडी थी स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की. अब हम लोग आते हैं AGIL मोड ऑफ पार्सन्स. अब इसको जानेंगे कि ये क्या है. टेलकॉट पार्सन्स जो है उनका क्या कहना है इसके बारे में. टेलकॉट पार्सन्स,
He was an American sociologist. तो टेलकॉट पार्सन्स जो है अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट उनका क्या कहना था, ही वॉज बॉर्न इन, सबसे पहले देखते हैं कि डेट, ही वॉज बॉर्न इन 1902 और डाइड इन 1979। तो इनका जो सफर रहा है वो 1902 से 1979 तक का। तो ही डिड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट एकेडमिक वर्क ऑन द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के ऊपर, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से रिलेटेड, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, लॉट ऑफ वर्क ही डिड। अ थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन भी इन्होंने हमें दिया, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। पार्सन्स ने क्या बोला कि दैट अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज, तो जो फंक्शन है वो ग्रुप एक्टिविटीज है, दैट हेल्प सोसाइटी टू मीट इट्स गोल्स, यानी जो सोसाइटी के काम है उसको कंप्लीट करने के लिए, जो टास्क है उनको पूरा करने के लिए, जो फंक्शंस जो होते हैं वो ग्रुप एक्टिविटी है, जो हमारे फंक्शंस हैं वो क्या है, हमारी एक्टिविटीज जो कि हम मिलके करते हैं, हमारी एक्टिविटीज है ये, तो दैट हेल्प सोसाइटी टू मीट इट्स गोल्स। ही टॉक अबाउट फोर थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सोशल सिस्टम टू स्टे अलाइव। तो वो चार इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। इसको यहां से हम लोग मिटा देते हैं ताकि आप लोग को समझ में आ सके। तो वो फोर इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि कहा गया है एजल मॉडल ऑफ बाय पार्सन्स, वो क्या है, सबसे पहले है ए, एजल का जो ए है सबसे पहले है ए, ए फॉर क्या हुआ, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन, अडेप्टेशन का मतलब क्या है, ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है कि वो अपने रहने के लिए सोशल सिस्टम जो है नीड्स टू अडेप्ट इन अकॉर्डेंस, अपने अनुकूल बनाना, उसके हिसाब से अपने आप को ढालना, अकॉर्डेंस विद द एमर्जिंग डिमांड्स ऑफ इट्स एनवायरमेंट, यानी जो एनवायरमेंट की डिमांड है, जैसा चेंज है सोसाइटी में, जो कि डिमांड है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना। तो एक सोशल सिस्टम की जो नीड्स होती है टू अडैप्ट, टू अडैप्ट इन अकॉर्डिंगली, जो अकॉर्डेंस है उसके हिसाब से, अकॉर्डेंस विद द डिमांड ऑफ इट्स एनवायरमेंट, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज होना उसके अंदर, उसके हिसाब से ढलना, उसके अनुकूल अपने अनुकूल बनाना, उसको अडाप्ट करना। दूसरी चीज होती है गोल अटेनमेंट, यानी जी फॉर, ये जो जी है इसका मतलब हुआ गोल अटेनमेंट। इसे तुम लोगों को याद रहेगा कि इसमें जो है इजी हो जाएगा समझने में। अब गोल अटेनमेंट क्या है, सोशल सिस्टम नीड्स टू डिफाइन एंड अकम्प्लिश इट्स गोल, उसका जो मकसद है सिस्टम को कैसे चलाना है, उसको किस तरह से उसमें स्टेबिलिटी, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना है, उसमें स्मूथनेस बनी रहनी है, हार्मनी होनी चाहिए, पीस होना चाहिए, ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए सोशल सिस्टम नीड्स टू डिफाइन और अकम्प्लिश द गोल। तो उसको गोल अटेनमेंट जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टेबिलिटी चलाना, एक स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ सोशल जो सिस्टम है उसका चलना इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज होती है इंटीग्रेशन, 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 आई फॉर हो गया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब हुआ जो हमारे रेगुलेशन है, यानी जो नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, रेगुलेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द कंपोनेंट्स इज एसेंशियल। तो रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है तभी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा,
लॉ एंड ऑर्डर जो है, और हार्मनी, पीस और एक स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रखने के लिए क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, एक नॉर्म्स को फॉलो करना, इंटीग्रेशन बना, तो रेगुलेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट है, जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और बहुत एसेंशियल है सोसाइटी के लिए। और चौथी चीज है जो कि एल फॉर, ये हो गया लेटेंसी, लेटेंसी, लेटेंसी। तो सोशल सिस्टम जो है नीड्स टू प्रिजर्व एंड एनहेंस द सेंस ऑफ मोटिवेटिंग, जो मोटिवेशन है, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन अमंग द मासेस, लोगों के बीच में एक सेंस ऑफ मोटिवेशन होना चाहिए, ताकि हम जो रेगुलेटरी है, जो हम स्टेबिलिटी है, उसको हम मेंटेन रख सके, उसके लिए मोटिवेशन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मेंटेनेंस ऑफ सोशल पैटर्न कंट्रीब्यूट टू द क्रिएशन ऑफ दिस मोटिवेशन। तो सोशल सिस्टम नीड्स टू कीप एंड इम्प्रूव पीपल्स फीलिंग ऑफ मोटिवेशन। तो कीपिंग सोशल नॉर्म्स इन प्लेस इज पार्ट ऑफ व्हाट गिव्स पीपल टू ड्राइव, यानी मोटिवेट करता है लोगों को कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सके। तो पार्सन्स हैड कंजर्वेटिव अप्रोच एंड हिज मेजर जो वर्क्स थे कन्वे द आइडियाज ऑफ सोशल स्टेबिलिटी, ऑर्डर और इंटीग्रेशन दैट प्ले अ मैसिव रोल इन द सोसाइटी, जो कि टेलकॉट पार्सन ने डिफाइन किया। इसको हम एजिल के मॉडल की तरह से देखते हैं। तो इसमें अडेप्टेशन है, गोल अटेनमेंट है और इंटीग्रेशन है और लेटेंसी है। तो सोसाइटी जो है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है। तो पीपल जो है वो जो डिमांड होती है उसके हिसाब से अडेप्टेशन होता है, लोग उसके अनुकूल अपने आप को बना लेते हैं। गोल अटेनमेंट क्या है, गोल अटेनमेंट है स्टेबिलिटी और पीस को मेंटेन रखना स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सोसाइटी की, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए, पीस एंड हार्मनी को मेंटेन होना चाहिए, ताकि जो है जो इंटर रिलेशनशिप, जो रेगुलेशन ऑफ इंटर रिलेशनशिप है वो मेंटेन होना चाहिए सोसाइटी में। और लेटेंसी जो है यानी मोटिवेशन होना चाहिए एक स्टेबिलिटी के लिए, सोशल सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव पीपल्स जो फीलिंग को जो है इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करती है। तो कीपिंग सोशल नॉर्म्स इन प्लेस इज पार्ट ऑफ व्हाट गिव्स पीपल दिस ड्राइव। तो सोशल नॉर्म्स जो है, जो कि जो हमारे एटीट्यूड, जो हमारे बिहेवियर, जो लीगलाइज हैं, जिनसे कि हम पीस एंड हार्मनी मेंटेन रख सकते हैं, कि स्टेबिलिटी मेंटेन रख सकते हैं अपनी सोसाइटी में। तो ये एजिल मॉडल ऑफ पार्सन्स था, टेलकॉट पार्सन्स। अब हम लोग जानेंगे कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन बाय रेडक्लिफ ब्राउन क्या था, रेडक्लिफ ब्राउन का जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था। तो रेडक्लिफ ब्राउन वॉज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही वॉज सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। कौन? रेडक्लिफ ब्राउन, एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो हु लिव्ड, उनका जो पीरियड रहा है 1881 से लेकर के टू 1955 तक। तो एंड मेड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। 1952 में उनकी एक बुक आई, 1952 में ही रोट अ बुक ऑन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, फंक्शन इन प्रीमिटिव सोसाइटी, प्रीमिटिव सोसाइटी। ये बुक पब्लिश हुई थी 1952 में बाय रेडक्लिफ ब्राउन। तो ब्राउन मेड अ कंपैरिजन, उस बुक में उन्होंने क्या किया था, कंपैरिजन किया था बिटवीन द वे ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म, एंड हाउ सोशल सिस्टम वर्क्स, एंड हाउ सोशल सिस्टम वर्क्स, ये उस किताब में किया गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का, यानी किस तरह से हमारे सोशल सिस्टम काम करते हैं, यानी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और हमारे सोशल सिस्टम के बीच में कंपेयर किया गया। तो उनका कहना था, ही सेज दैट
ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ डिफरेंट सेल्स है, हमारे जो ऑर्गेन ऑर्गेन्स है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स से और डिफरेंट सेल्स और मॉलिक्यूल्स से, सेल्स एंड मॉलिक्यूल्स से बने हुए होते हैं, हम सभी को पता है उसके बारे में। तो दैट आर ग्रुप्ड इन सिस्टमैटिक वे, जो कि एक सिस्टमैटिक वे में पूरे जो ऑर्गन्स हैं उस पे वर्क करते हैं। तो हमारे जो ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट सेल्स से मॉलिक्यूल से बना होता है, दैट आर ग्रुप्ड इन सिस्टमैटिक वे। तो स्ट्रक्चर ऑफ लिव जो लिव थिंग्स टेंड्स टू स्टे द सेम बिकॉज द लॉसेस सम मॉलिक्यूल्स, यानी उसी हिसाब से जो स्ट्रक्चर है वो वर्क करता है, क्योंकि जो लॉस ऑफ सम मॉलिक्यूल्स क्या होता है, व्हेन इट ब्रीथेस एंड गेन्स न्यू वन व्हेन इट्स एब्जॉर्ब, जब हम जो है ब्रीथ करते हैं तो क्या करते हैं कि कुछ लॉस होते हैं मॉलिक्यूल्स, एंड व्हेन इट ब्रीथ्स एंड गेन न्यू वन व्हेन इट्स ऑब्जर्व, जब हम ऑब्जर्व करते हैं तो कुछ नए को ऑब्जर्व भी करते हैं जब हम सांस खींचते हैं। तो इन द सेम वे द सोशल फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी नीड्स टू वर्क एज ए होल फॉर इज टू स्टे अलाइव। तो हमारा जो सोशल सिस्टम है, इसी जिस तरह से हमारे बॉडी ऑर्गन्स जो है, हमारे लिविंग ऑर्गन्स वर्क करते हैं, जो जिस तरह से हमारे लिविंग ऑर्गन्स जो है वो वर्क करते हैं, द सेम मैनर हमारी जो सोशल जो फ्रेमवर्क है, हमारी सोसाइटी का जो फ्रेम है या हमारी सोसाइटी के जो स्ट्रक्चर्स हैं, सोसाइटी नीड्स टू वर्क एज ए होल फॉर इज टू स्टे अलाइव, उसी तरीके से उनको काम करने, उनके अंदर भी इंटरडिपेंडेंसी है, सब डिपेंड करते हैं सारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, उसी हिसाब से उनको काम करना पड़ता है। तो ऑन द वन हैंड सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, जिस तरह से हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन है, दे आर नीडेड टू टीच पीपल, हमें हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस हमें क्या सिखाते हैं, हमें सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है, जो सोशल इंस्टीट्यूशंस से हम क्या सीखते हैं, हमारे वैल्यूज हैं, हमें सही गलत की पहचान कराना, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन हमें सिखाते हैं हमारे जो एंड फील मोर कनेक्टेड विद ईच अदर, एक दूसरे से जो है जुड़े रहना। और ऑन द अदर हैंड हमारे सोशल फैक्ट्स क्या करते हैं, आर जस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग पीपल इन चेक एंड गेटिंग रिड ऑफ एनी काइंड ऑफ रॉन्ग डूइंग है, जो हमारे सोशल फैक्ट्स हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, हमारे बिलीव्स हमें सिखाते हैं, तो हम जो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनसे हमें रोकने का काम करते हैं। तो सोशल फैक्ट्स कैन बी थॉट ऑफ एज एंड अनसीन टूल्स जो होते हैं फॉर कीपिंग पीपल इन लाइन दैट एवरी सोसाइटी हैज इन द फॉर्म ऑफ लॉज एंड रूल्स। तो हमारे जो सोशल फैक्ट्स हैं वो अनसीन टूल्स की तरह से काम करते हैं, जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, हमें सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमारी सोसाइटी में रूल्स हैं एंड लॉज होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना पड़ता है, यानी हमारे जो नॉर्म्स हैं उनको हमको फॉलो करना पड़ता है, तो इस ताकि हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रख सके। ठीक है, तो रेडक्लिफ ब्राउन जो है उन्होंने अपनी बुक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इन प्रिमिटिव सोसाइटी, जो कि पब्लिश हुई 1952 में, उन्होंने उसमें जो कंपेयर किया था हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से और हमारी जो सोसाइटी के जो सिस्टम्स हैं वो कैसे काम करते हैं, जिस तरीके से हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट सेल से मॉलिक्यूल से बना रहता है, जब जिसको कि हम सांस से छोड़ते हैं तो कुछ मॉलिक्यूल्स जो है हमारे जब डिस्ट्रॉय भी होते हैं, बाहर होते हैं जब हम सांस खींचते हैं, तो कुछ जो है हम अंदर भी लेते हैं, तो वो इससे हमारा सिस्टम जो है उसी के हिसाब से चलता रहता है, हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क होता रहता है। तो हर जो पार्ट है सबके, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं सबके रोल अलग अलग हैं, पार्ट का जो है सब सिस्टम पे एक चलते हैं, उसी तरीके से हमारी सोसाइटी है, उसके वैल्यूज हैं, उसके नॉर्म्स हैं, सोशल फैक्ट्स हैं जिन पे कि वो चलते हैं, उनकी स्टेबिलिटी जो है उसी पे मेंटेन रहती है हमारी सोसाइटी की। अब हम वेस्टर्न थिंकर्स को तो हमने देख लिया, अब हम जानेंगे कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है, एम एन श्रीनिवास हमारे इंडियन जो थिंकर हैं उनका क्या सोचना है। तो पीपल थिंक दैट स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो पर्सपेक्टिव है इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड टू अंडरस्टैंडिंग द जो हमारा इंडियन कल्चर है, क्योंकि हमें भी पता है कि हमारे इंडियन कल्चर में
इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो हमारा इंडियन कल्चर जहाँ पे डाइवर्सिटी है, तो इंडियन कल्चर में जो है हर किसी को था कि 1940s में आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन द वेलफेयर स्टेट वाज सेट अप, तो सोशियोलॉजिस्ट दे बिगेन टू फोकस ऑन बिल्डिंग अ सिस्टमैटिक व्यू दैट कुड हेल्प इन विद प्लानिंग. तो दिस वे ऑफ थिंकिंग केम अबाउट इन इंडिया बिकॉज द फर्स्ट सोशियोलॉजी दे आर लर्न फ्रॉम वेस्टर्न जो थे मोस्टली अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सोशियोलॉजिस्ट थे. तो ड्यूरिंग दिस टाइम पीपल लाइक पर्सन्स मर्टन्स डेविस मुरे भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि एज वेल एज रेडक्लिफ ब्राउन है मेलिनोस्की है एंड अदर्स दे रोट अ लॉट अबाउट दिस पॉइंट ऑफ व्यू. उन्होंने बहुत लिखा इसके बारे में. तो एम एन श्रीनिवास जो है इज थॉट टू बी द फर्स्ट रिसर्चर जो है उन्होंने इस पे काम किया. तो एम एन श्रीनिवास ही वॉज फर्स्ट रिसर्चर. तो ही वर्क टू लुक, उन्होंने की जो स्टडी थी कुर्ग ऑफ माइसोर में जो है उन्होंने इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू को रखा था एट कुर्ग ऑफ माइसोर में. तो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू इन अ सिस्टमैटिक वे ही उन्होंने रिसर्च किया. इवन दो डब्ल्यू एच वाइजर जो हैड यूज दिस पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू शो हाउ इम्पोर्टेंट जजमानी सिस्टम को दिखाने के लिए वॉज फॉर इट्स फंक्शन. सो श्रीनिवास जो है ही यूज इट टू अंडरस्टैंड, उन्होंने स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म को यूज किया समझने के लिए होल सोसाइटी. ही यूज स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म टू अंडरस्टैंड द होल सोसाइटी. As the field view showed as real picture of life, this point of view became more important. So most common point of view jo tha, such as the Indological, sociological, economic and philosophical ones all had some flaws. Uske andar kuch flaws bhi the. To hum log janenge ki isme kya kya flaws the. To main idea jo behind this point of view kya raha hai ki it tries to look at relationship. सोशल स्ट्रक्चर हैड हाउ दे वर्क इन सोसाइटी एज ए होल. उसने जो है जानने की कोशिश की कि जो सोशल स्ट्रक्चर है जो मेन आइडिया क्या सबसे पहला जो इसका मकसद था जो सबसे पहला जो इसका मकसद था टू अंडरस्टैंड कि जो सोसाइटी है हाउ दे वर्क इन सोसाइटी यानी जो रिलेशनशिप है जो सोशल स्ट्रक्चर है जो रिलेशन रिलेशनशिप्स and social structures how they work in society as a whole how they work. For example in his book Kurg of Mysore mein M.N. Srinivas ne jo hai define kiya it was not only he did not only wrote a historical account of Kurg society uska historical point of view dekhne ke sath sath but he also develop a complete picture of how Kurg stick together through their customs apne beliefs pe religion pe jo Kurg society hai wo kis tarike se apne jo belief system ke upar अपने रिलीजन पे किस तरह से जुड़े हुए हैं अपने कस्टम्स से किस तरह से जुड़े हुए हैं या उनकी जो फैमिली लाइफ है फैमिली से किस तरह से जुड़ा हुआ है तो एक फैमिली के साथ किस तरह का रिलेशनशिप है ये इन सब पार्ट को उन्होंने स्टडी किया. तो मोर इम्पोर्टेंटली अ फील्ड व्यू वाज यूज्ड टू टेक इनटू अकाउंट द सोशियो पॉलिटिकल जो कॉन्टेस्ट था ऑलरेडी दैट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टेड. तो सेकेंडली उन्होंने क्या चीज देखा सबसे पहला पॉइंट था रिलेशनशिप और जो सोशल स्ट्रक्चर के अंदर किस तरीके से दोनों जो है रिलेटेड हैं दोनों वर्क कैसे करते हैं. नंबर टू उन्होंने जो पॉइंट देखा वो था कि दिस पॉइंट ऑफ व्यू ही ट्राइड टू फाइंड अ वे टू एक्सप्लेन द सर्टेन जो सोशल फिनोमेना इन टर्म्स ऑफ जो सोशल फिनोमेना कि किस तरीके से जो सोशल फिनोमेना है वो वर्क करते हैं. How they work in a bigger social context.
in a bigger social context. For example, अगर हम इसमें देखें कि family studies in India rather than just studying it as a type of family, यानी खाली type of family देखने के बजाय family studies जो है India में कि किस तरीके से फैमिली को कंप्लीट फैमिली सिस्टम को स्टडी करना, तो फोकस वाज ऑन अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज मीन्ड इन इंडियन कल्चर, यानी इसका मतलब क्या है इंडियन कल्चर के अंदर, और इन दिस सिचुएशन वर्क बाय के एम कपाडिया है, करवे है, एक्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट. कि अगर हम फैमिली लाइफ को देखते हैं इंडियन कल्चर के अंदर, तो उसको जानने के लिए हमें के एम कपाडिया का जो वर्क है, के एम कपाडिया है, इरावती करवे है, इनके वर्क को हम देख सकते हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर थ्री जो देखा वो था स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म व्यू से कि इंडिया टुक इनटू अकाउंट द रियल डिवीजन इन सोसाइटी एंड हाउ पीपल वर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. इंडिया जो है वो रियल डिवीजन है यहाँ पे सोसाइटी के अंदर, चाहे वो कास्ट में देखो या क्लास के अंदर देखो. तो इंडिया का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू से अगर हम देखते हैं इंडिया को, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी है. तो दिस मेड जो सोशियोलॉजी को मोर ग्राउंडेड इन फैक्ट्स एंड सिचुएशन में. तो इन दिस वे रोल्स वर लुक्ड एट फ्रॉम बोथ कल्चरल और स्ट्रक्चरल जो पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से ही देखना, तो जो कल्चरल है या फिर स्ट्रक्चर, यानी हमारे इंडिया का जो स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको स्टडी करना है, और कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्सिटी है, किस तरह से यहाँ पे प्रॉपर फंक्शनिंग है, किस तरह से लोग एक दूसरे से अटैच है, या फिर हायरार्की लेवल पे हायरार्की क्या है, उसके बाद डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह से है. तो नंबर फोर जो इसमें पॉइंट था वो है कि दिस पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो पुट एन एम्फेसिस ऑन कंपेयरिंग डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर है, टेकिंग इनटू अकाउंट देयर डिफरेंसेस एंड हाउ दे इफेक्ट सोसाइटी एज ए होल. तो डिफरेंट जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, कल्चर डिफरेंट है, डिफरेंट जो सोशल स्ट्रक्चर्स हैं, चूंकि डाइवर्सिटी है तो सोशल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है, अलग अलग है, सोशल इंस्टीट्यूशन डिफरेंट है. तो टेकिंग इनटू अकाउंट देयर डिफरेंसेस, उनके बीच में के डिफरेंसेस, और किस तरीके से वो सोसाइटी पे इफेक्ट बनाते हैं, तो सोसाइटी पे किस तरह से इफेक्ट ऑन सोसाइटी, उसको स्टडी करना. नंबर फाइव जो पॉइंट है अगर इंडियन स्ट्रक्चरल फंक्शनल के हिसाब से, तो इंडियन जो एट फर्स्ट स्ट्रक्चरल फंक्शनल व्यू पॉइंट जो है ओनली लुक्ड एट थिंग्स फ्रॉम एन एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हाउ ओवर इन द 1960s और 70s स्टडीज फोकस ऑन सर्टेन इवेंट्स और इंस्टीट्यूशन एंड फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से. तो लाइक इट्स ओरिजिनल फ्रेमवर्क इन वेस्ट और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, इंडिया में जो है ऑल्सो सफर्ड डिफरेंट काइंड ऑफ, यहाँ लिमिटेशन है क्योंकि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी भी है, तो इसके वजह से यहाँ पे लिमिटेशन भी बहुत सारी है इसमें. तो दिस पर्सपेक्टिव डिड नॉट डिफरेंट जो है डाइवर्सिटी के हिसाब से अगर हम यहाँ देखें, तो इसमें जो लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, तो दिस पर्सपेक्टिव डिड नॉट लुक एट द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कल्चर. तो इंडियन कल्चर की प्रॉब्लम नहीं देख रहा, क्योंकि इंडियन कल्चर जो है वो डाइवर्सिटी है यहाँ पे, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है लोगों को एक साथ जोड़ने में, जुड़ने में, रिलेट करने में, तो प्रॉब्लम ऑफ इंडियन कल्चर. तो देयर मे बी प्रॉब्लम्स विद सोशल सिस्टम दैट लीड टू कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटी. तो डिफ्रेंसिएशन बहुत ज्यादा है, अलगाव है, कल्चर अलग है, डाइवर्सिटी है, तो डेफिनेटली सोशल सिस्टम में जो है कॉन्फ्लिक्ट जो है ज्यादा है. फॉर एग्जाम्पल रैंक इज लेस यूजफुल देन इट इज यूजफुल. सो दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज थॉट टू बी स्टेटस, जो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें इन जनरल, सोशल ट्रेंड्स वर सीन एज गुड एंड यूजफुल इन अ बिगर पिक्चर. सो इट वॉज इन यूज इन अ प्योर वे दैट बिकॉज इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू. इन द स्टडी ऑफ बिल्डिंग इट वॉज क्लियर दैट कल्चर प्लेड अ बिग रोल. तो कल्चर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अगर हम इंडियन कल्चर को स्टडी कर रहे हैं, इंडियन में अगर हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे कल्चर अगर बिल्डिंग भी देखें, तो वहां पे कल्चर जो है वो प्लेड अ वेरी बिग रोल इन इंडिया. तो सम स्टडीज यूज टू मेनी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स एंड एंडेड अप बीइंग जो है नथिंग मोर देन एक्सप्लेनेशन एंड रियल वर्ल्ड
अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करती है। अब फंक्शनल थ्योरी जो है वो स्ट्रेटिफिकेशन में हम देखें कि फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है। इसको इंट्रोड्यूस किया है किंग्सले डेविस ने, किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस 1908 टू 1997 और विल्बर्ट मूरे ने, विल्बर्ट मूरे। इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो है 1914 से 1987। तो दे केम अप विद द फंक्शनल थ्योरी ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, विच इज द मोस्ट वेल नोन पीस ऑफ वर्क इन द फील्ड ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट जो है दे बिलीव दैट सोशल डिवीजन इज नेसेसरी पार्ट ऑफ सोसाइटी, क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर जो है सोसाइटी में, जो सोशल डिवीजन एट द पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में, तो उसके हिसाब से सोशल डिवीजन जो है वो एसेंशियल पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है सोसाइटी का। इट्स अ एसेंशियल पार्ट ऑफ सोसाइटी। तो इट इज अ वे टू डिवाइड पीपल इनटू ग्रुप बेस्ड ऑन देयर सोशल रोल्स, इनके रोल्स के हिसाब से स्टैंडिंग दैट आर स्टिल डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो डिवीजन सिस्टम कैन आल्सो बी सीन एज ए वे टू कंट्रोल हु गेट्स टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज। तो पीपल थिंक दैट स्ट्रेटिफिकेशन जो है इट्स इज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी, स्ट्रेटिफिकेशन जो है वो प्रैक्टिकल नेसेसिटी है, बिकॉज अ सिंगल यूनिट कांट डू ऑल टास्क दैट सोसाइटी नीड्स। तो डिवीजन जो है सोसाइटी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जरूरी तो नहीं कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है मान लो, तो इसको चलाने के लिए एक ही आदमी काफी है, एक मैनेजमेंट है, मैनेजर है, या एक ही वन पर्सन है, या एक ही आदमी इस पूरे इस इंस्टीट्यूट को तो नहीं चला सकता। इसको चलाने के लिए अलग अलग लोगों की जरूरत है, कहीं पे लेबर की भी जरूरत है, कहीं मैनेजर की भी जरूरत है, कहीं क्वालिफाइड लोगों की जरूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो पीपल थिंक दैट स्ट्रेटिफिकेशन इज अ प्रैक्टिकल नेसेसिटी, एक प्रैक्टिकल नेसेसिटी है हमारी सोसाइटी की, बिकॉज अ सिंगल यूनिट कांट डू ऑल द टास्क दैट सोसाइटी नीड। जो हमारी जरूरत है सोसाइटी की वो एक सिंगल यूनिट से कभी भी पूरी नहीं हो सकती, एक सिंगल जो है पार्ट सोसाइटी का जो है, खाली रिलीजन से सोसाइटी नहीं चल सकती, खाली इंस्टीट्यूशन सोसाइटी को नहीं चला सकते। तो दिस मींस दैट ईच यूनिट इन सोसाइटी हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर यूनिट की सोसाइटी में अपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ऑल्सो दिस स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी हम देख सकते हैं, तो गिव्स पीपल अ कॉन्स्टेंट रीजन टू चेंज एंड ग्रो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर असाइन टू टीचर, टीचर्स के साथ जो है वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और जो लेबर होता है यानी टीचर की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट होती हैं, एक लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो अलग होती हैं। तो टीचर जो है वो इसकी नहीं ले सकता, और ये जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। तो अगर हम देखें कि बोथ ऑफ देम हैव सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी, या टीचर इज प्लेस अबव अ लेबर इन द ऑक्यूपेशनल हायरार्की। सो सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन अगर हायरार्की में भी देखें तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाई है, उसकी पोजिशन भी हाई है, तो लेबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग है, उसकी पोजिशन भी अलग है। तो सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन जो है इज कंसीडर्ड एज ए सिस्टम ऑफ पोजीशन, यानी जैसी पोजीशन है तो सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो इसको कहेंगे सिस्टम ऑफ पोजीशन, यानी जैसी पोजीशन उसी के हिसाब से उसका
जगह होती है, उसी की रैंक होती है, इन विच सर्टेन पोजिशंस आर रिगार्डेड एज प्रेस्टिजियस, कुछ पोजिशंस जो है वो प्रेस्टिजियस है एंड सुपीरियर होती है. तो दीज हायर रैंकिंग पोजिशंस आर एसोसिएटेड विद सर्टेन रिवार्ड्स टू एंश्योर डिलीजेंस अमंग द मासेस. तो एक उनके पास जिस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे प्रेस्टीजियस उनकी रैंक होगी, जैसा रोल होगा उसी के हिसाब से उनका स्टेटस होगा, उसके साथ उनके कुछ फैसिलिटीज भी जुड़ी हुई होंगी उसके साथ साथ. ठीक है, तो अब स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है इसका क्रिटिसाइज भी इसको बहुत किया गया, क्रिटिसिज्म भी रहा है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का. तो क्रिटिसिज्म में कंपेबिलिटी जो है ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज कॉम्प्रिहेंडिंग कंटेम्परेरी जो एडवांसेस सोसाइटी, हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है उसने इस पे क्वेश्चन उठाया है, क्रिटिसाइज किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को हमारी मॉडर्न सोसाइटी ने, कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म हैज फेस क्रिटिसिज्म इन मॉडर्न सोसाइटी मोस्टली ड्यू टू इस पर्सपेक्टिव ऑन सोशल डेवलपमेंट को लेकर के, विच पोज दैट सोसाइटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ इवॉल्विंग सोसाइटल रिक्वायरमेंट. यानी जिसका कहना है कि जो सोसाइटी की जब रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शनलिस्ट जो है उनके व्यू से सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती हैं, उसी के हिसाब से सोशल चेंज होते हैं. तो सोशल चेंज जो है, सोशल चेंजेस ऑकर्स एज पर नीड, या नीड के ऊपर होते हैं या रिक्वायरमेंट के ऊपर. द एक्ट ऑफ मेकिंग एन इमीडिएट एडजस्टमेंट इज रिगार्डेड एज ए डिपार्चर फ्रॉम द नॉर्म. तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है, दैट सोशल इम्प्रूवमेंट आर इनहेरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी इन नेचर. तो मोर ओवर द अफोर्ड मेंशन जो व्यू पॉइंट है फेल्स टू एक्नॉलेज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिविजुअलिज्म इन ऑपरेशन ऑफ सोसाइटल सिस्टम में. तो उन्होंने इट आर्ग्यूज दैट इंडिविजुअलिज्म इज फंडामेंटली फ्लॉड, उनका कहना है. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म दे प्रोवाइड अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दैट जस्टिफाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए हायरार्किकल सिस्टम को जस्टिफाई करते हैं, कि जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इम्पॉर्टेंट है उनके हिसाब से, एंड परपिटुएट सोशल इनइक्वालिटी जो है उसको बढ़ावा देने का काम करे, जो सोशल इनइक्वालिटी है. ठीक है, इक्वालिटी को बढ़ावा देने काम कर रहे हैं बाय रेनफोर्सिंग द डिफरेंशियल रोल्स एंड पोजीशन, यानी डिवीजन ऑफ लेबर जो है जिसको हम कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर. तो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म इज एन सीन एज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न वर्ल्ड. हमारी मॉडर्न सोसाइटी है उसको समझने के लिए एक सही वे नहीं है. इट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड इन मॉडर्न वर्ल्ड मोस्टली बिकॉज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सेज द सोशल चेंज इज कॉज्ड बाय हाउ पीपल्स नीड चेंज, और एज डिपार्चर इज एनी काइंड ऑफ चेंज दैट हैपेंस राइट अवे. तो फ्रॉम ए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम देखें तो सोशल चेंज आज कॉन्ट्राडिक्टरी. So also it argues that the individualism is fundamentally flawed. So it says that individualism is fundamentally wrong. So structural functionalism jo hai makes it okay for society to have a hierarchy. Yani jo division of labor hai society mein wo okay hai, acceptable hai, wo zaruri hai. Kyunki jo hamare jo roles hai wo different jo society ke andar hai. एक ही यूनिट जो है कंप्लीट टास्क नहीं कर सकता, तो इसीलिए उसको चलाने के लिए यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए. लेकिन जो हमारी मॉडर्न जो थॉट है वो इस चीज को नकारती है. उनका कहना है कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म मेक इट्स ओके फॉर सोसाइटी टू हैव हायरार्की, और इनइक्वालिटी को बढ़ावा दे रहे, दे इनकरेजेस द डिफरेंट रोल्स एंड प्लेसेस इन द सोसाइटी. तो व्हेन वी लुक, अगर हम कंक्लूजन के ऊपर आए तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वी लुक एट सोसाइटी फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट लेंस से अगर हम सोसाइटी को देखते हैं तो द होल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी इज इंटरकनेक्टेड. अगर हम इनके लेंस से देखेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म से, तो होल हमारी जो सोसाइटी है, होल सोसाइटी जो हमारे स्ट्रक्चर है, दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं.
they are interconnected and accountable for maintaining the equilibrium, yani maintaining the balance jo hai society mein, ek balance ko maintain karne ke liye, stability ko maintain karne ke liye, steadiness in society. So any form of rapid deviation ya any or change may cause disruption in its functioning. Kisi bhi tarah ka jo hai change jo hai wo isko disrupt kar sakta hai. So structural functionalism as an explicative theory has been developed and redefined by various scholars. Kaun kaun se hai? Durkheim, unke perspective is significant. Understanding social differentiation, उन्होंने जो define किया division of labor, social order and social evolution of theory, whereas Parsons जो है उनका idea है structure and system are based on four functional imperatives required in every social setting, जिसको में हम लोगों ने पढ़ा adaptation और goal attainment है या फिर latency है, तो उसको हम लोगों ने इसमें study किया, interpretation है not in integration. So agile jo hai wo defined by Parsons. Aur Durkheim ne jo define kiya wo social order hai, social stratification ya differentiation, division of labor ya social evolution, जो चेंजेस हैं जो कि उन्होंने डिफाइन किया डिफरेंट जो मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी से एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी जो चेंज हुई हमारी सोसाइटी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ और सोशल ऑर्डर. So, however, in the contemporary social world, the idea of structural functionalism are considered insignificant primarily because it neglect the importance of social change which is a key feature of modern society. तो हमारी जो modern society है वो इसको accept नहीं करती. उनका ऐसा मानना है कि हमारी जो society में modern society में जो ये functional structural functionalism है ये exist नहीं करता क्योंकि society में उनका कहना है कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोसाइटी में डिवीजन ऑफ लेबर है यानी जो इनइक्वालिटी है ये इसको सपोर्ट करते हैं. तो आई होप कि तुम लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा. मैंने कोशिश की थी कि मैं बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर पाऊँ. डिफरेंट थिंकर्स को हम लोगों ने जाना, उनके व्यूज को जाना. और बाकी की मेरी वीडियोज के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं या और भी जो वीडियोस हैं और भी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आप लोगों को लगता है कि हम लोगों को डिस्कस करना चाहिए वो टॉपिक्स, तो डेफिनेटली मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी, लेक्चर्स आप लोगों के लिए रेडी करूंगी. और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए. और फ्री नोट्स के लिए जो भी आज का जो भी हमारा लेक्चर है, इसके पहले के भी जो भी लेक्चर्स हैं उनके जो नोट्स है फ्री वो अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे जिसका की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और नोट्स का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. आप वहां पे जाकर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया है ताकि आप लोग को पढ़ने में समझने में इसको आसानी हो. थैंक यू सो मच.